तुम लोग को मैं क्यों पसंद आता हूँ यार, क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पसंद करो या ना करो। 100% आदमी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? 100% आदमी वाला कॉन्सेप्ट यह है कि साला तुम्हारा लड़की के सामने स्वभाव चेंज नहीं होना चाहिए यार। तुम साले बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने दोस्तों के साथ जब होता है तो उसका बड़ा चिल्ड आउट बर्ताव होता है, वो चिल मारता है, मजे करता है, मजाक करता है, लेता है दोस्तों की, फिजिकली भी बहुत कंफर्टेबल होता है, धक्का देता है लोगों को, चूटी गाता है, टिकल करता है, लेकिन लड़की के सामने तो ये सब चीजें तुम कर ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है उसको पटाने के लिए तुम्हें उसको एक दूसरी चीज दिखाने की जरूरत है, तुम अपनी असलियत नहीं दिखा सकते। तो तुम क्या करते हो, तुम ज्यादा अच्छा बर्ताव करते हो, तुम उसको छेड़ते नहीं, तुम उसकी चिंता करते हो, तुम दिखाते हो कि तुम कितने प्यारे इंसान हो। प्यारे इंसान से लोगों को प्यार नहीं होता बे, असली इंसानों से लोगों को प्यार होता है। असलियत दिखाओ, जिस तरह तुम अपने दोस्तों के साथ हो सेम तरीके से उसके साथ रहो, उसको दिखेगा कि साला ये फेक नहीं है और ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा मुझे पटाने के लिए। क्योंकि जो भी लड़का अपने आप को चेंज करता है एक लड़की को पटाने के लिए और एक्टिंग करता है, वो लड़की को मालूम होता है कि साला एक नंबर का वो है लीचर, ये इतना डेस्परेट है सेक्स के लिए, प्यार के लिए, कि साला झूठ बोलने को तैयार है। और अगर इस चीज़ के लिए वो झूठ बोल देगा तो वो तो झूठ झूठा तो झूठा ही है ना। मतलब तो इस तरह की एक्टिंग मत करो कि किसी को पटाने के लिए तुम ऐसी एक्टिंग करो कि तुम कोई और हो। ऐसी एक्टिंग ऐसे मत करो कि मैं तो बहुत कूल इंसान हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। नहीं, अंदर करो कि मेरे को चाहे हिंदी आती है और अंग्रेजी नहीं आती, तुम ऐसी एक्टिंग करो कि तुम बोलो कि हाँ हिंदी से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्या बुरी बात है अगर मुझे सिर्फ हिंदी आती है। ये वाली एक्टिंग ठीक है, लेकिन ये वाली एक्टिंग के ओ बेबी आई नो इंग्लिश एंड आई अप्रिशिएट यू प्लीज प्रपोज मी, या जो भी बकचोदी तुम पेलते हो दोस्तों के साथ अलग बिहेवियर, लड़की के साथ अलग बिहेवियर, वो नहीं करना है आज से। कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, मतलब साला तुम सोते हुए भी तुम्हारे ऊपर कोई गोली रखे ना तो तुम्हें फिर भी तुम्हारा बिहेवियर नहीं चेंज होना चाहिए, तुम सेम आदमी रहने चाहिए। क्योंकि इससे साइकोलॉजिकल लेवल पे लड़की को क्या दिखता है कि तुम जीरो स्पेशल एफर्ट डालते हो उसको पटाने के लिए, तो उसको पता चल जाता है कि तुम्हारी लाइफ में वो स्पेशल है ही नहीं, क्योंकि उसको आदत थी अभी तक कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल थी तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में वो नंबर वन थी पहले, उसकी लाइफ में तुम जीरो भी नहीं थे, 100 भी नहीं थे, कहीं थे ही नहीं तुम। अभी साला वो तुम्हारे लिए जीरो बन गई है, तो वो कुछ भी करेगी तुम्हारे लाइफ में और बड़ा बनने के लिए। क्योंकि मैंने क्या कहा था, लड़की को पसंद है वो अटेंशन, उसको पहले वो इतनी आदत लग गई थी कि वो नशा उसको चाहिए वापस, चाहे थोड़ा सा मिले अभी तो वो बहुत मेहनत करने को तैयार हो जाती है वो थोड़ा सा नशा पाने के लिए। तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब जिस तरह तुम्हारी दोस्तों के साथ है या घर पे होती है, जिस तरह तुम चिल्ड आउट होते हो, सेम तरीके से तुम्हें उनके साथ भी होना है। तुम लोग को मैं क्यों पसंद आता हूँ यार, क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पसंद करो या ना करो। मैं जिस तरह तुम्हारे सामने वीडियो में बैठा हूँ, जिस तरह मीटअप में होता हूँ, हर जगह मैं बंदा सेम हूँ। तो जब मैं बंदा सेम हूँ तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें सच्चाई दिखती है और ताकत दिखती है कि किसी इंसान को डर नहीं है उसके बारे में, शर्मिंदगी नहीं है। सेम तरीके से तुम्हें भी शर्मिंदगी क्या क्यों हो, तुमने मर्डर किया है किसी का, क्राइम किया है, कुछ गलत चीज़ें करी हैं, नहीं ना। तुम में से मतलब अगर 1,00,000 लोग देख रहे तो शायद एक इंसान ने कोई क्राइम किया हो, हाँ तो उस बंदे को बुरा लगने दो, लेकिन तुम बाकी जितने लोग हो साले तुम ठीक ठाक हो यार, तो तुम खुद को इतना बुरी नजरों में क्यों देखते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अगली चीज़, मेंटल रेवोल्यूशन को सॉलिड करने के लिए, गिव गिव गिव, मतलब देते रहो देते रहो देते रहो। आज तक तुमने लड़की से जब बात करी है, तुमने इसलिए बात करी है क्योंकि तुम साले एक नंबर के ग्रीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लालची इंसान हो। और लालची इंसान मतलब तुम्हें चाहिए उससे क्या, उसका मैसेज चाहिए तुम्हें, उसका कॉल चाहिए, उसका आधा घंटा चाहिए फोन पे, उसकी शरीर चाहिए तुम्हें, तुम्हें सेक्स करना है उसके साथ, उसका प्यार चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए 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 हर चीज चाहिए। दे क्या रहे हो तुम उसको, अपने आप को, दुनिया को दे क्या रहे हो? क्या तुम ऐसी चीजें दे रहे हो जिसकी वजह से वो चाहे तुम्हारे आसपास रहना? क्योंकि जो तुम दे रहे हो उसकी कीमत है कुछ। तुम लोगों की लाइफ में खुशी दे पा रहे हो, अच्छा सेक्स दे पा रहे हो, अच्छा प्यार दे पा रहे हो, अच्छे ख्याल दे पा रहे हो, क्या तुम देने जा रहे हो लोगों को? क्योंकि लोगों को जब तुम दे सकते हो, मैं जब लोगों को ज्ञान म्यान दे रहा हूं तो इसलिए वो रहते हैं ना मेरे साथ, और मुझे जिस भी दिन उनसे कुछ चाहिए मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको दिया ही इतना है कि मेरे पास पूरी पावर है। और मैं कोई ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास ही है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ भी हो सकता है देने को, लेकिन देना माइंडसेट, देना, देने का माइंडसेट, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि लालच से बड़े दिल वाला इंसान बनना, जहां पे तुम साला उस इंसान को वैल्यू दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, खुशी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल देने के बारे में सोचता है, अब लेने के बारे में नहीं सोचता। इससे एक और चीज होती है, तुम्हारी डेस्परेशन खत्म हो जाती है। जब तुम देने के बारे में सोचते हो ना, तो अगर लड़की तुम्हारा फोन ना उठाए, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे, तुम क्योंकि देने के एस्पेक्ट से आ रहे हो, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है हाँ चलो यार जब उसके पास टाइम होगा वापस आ जाएगी। लेकिन जब तुम लेने के लिए जाते हो ना, तुम बोलते हो यार नहीं मिला, आधे घंटे बाद दोबारा ट्राई करूंगा। लालच लीड्स टू डेस्परेशन, डेस्परेशन लीड्स टू लालच, साइकिल है कंटिन्यूस। वैल्यू इतनी दो और ऐसे दो लोगों को कि तुम इनवैल्यूएबल बन जाओ उनकी लाइफ में, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहे और ज्यादा रहना चाहे, दूसरे लोगों को हटा के रहना चाहे, दूसरे लोगों के साथ कंपीट करें ताकि उन्हें तुम्हारा ज्यादा टाइम मिले, चाहे ये लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, साला फर्क नहीं पड़ता। कभी भी चीजें इसलिए मत करो ताकि तुम्हें उस लड़की का अप्रूवल मिले, कभी भी चीजें इसलिए मत करो ताकि तुम्हें उस लड़की की अट्रैक्शन मिले, इसलिए मजे करो लाइफ में और इसलिए चीजें करो ताकि सिर्फ वो नहीं, उसकी माँ और उसकी बहन भी तुम्हारे साथ रहना चाहे यार, क्योंकि साले तुम मजेदार आदमी हो इतने। और वो तभी होगा जब तुम सिर्फ उसको या उसकी माँ या उसकी बहन को नहीं ये मजे दे रहे, पूरी दुनिया को दे रहे हो, जब तुम डिस्टिंग्विश नहीं करते, अंतर नहीं लाते लोगों के बीच में कि तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारे पास बूब्स और वजाइना है, और तुम लड़के हो तो तुम फालतू इंसान हो, तुम्हें मैं ट्रीट करूंगा शिट की तरह, तुम्हें मैं ट्रीट करूंगा रानी की तरह, लेकिन जिसको तुम रानी की तरह ट्रीट करते हो तुम्हें नौकर की तरह देखती है, और जिसको तुम शिट की तरह ट्रीट करते हो वो तुम्हें राजा की तरह देखता है। बैलेंस लाओ बीच में और दोनों को इक्वली ट्रीट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?